खुदा का कयाम है, कलमा 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 हुसैन का है, मोहम्मद का नाम है, नबी से सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाल खुदा का है। बे माता में हुसैन सहर है नशाम है, जिस दिन ये गम तमाम है दुनिया तमाम है, जिस दिन ये गम तमाम है दुनिया तमाम प्याम है, अल्लाह रे गम के आज भी गम ना तमाम है, सिबते नबी से दीन खुदा का कयाम, अशके गमे हुसैन में है लुत्फ़े ज़िंदगी, अशके गमे हुसैन में है लुत्फ़े ज़िंदगी, रोना अगर ना आए तो जीना हराम, रोना अगर ना आए तो जीना हराम है, सिबते नबी से दीन खुदा अपनी तरफ से छे ना अपनी तरफ से जंग, अपनी तरफ से छे ना अपनी तरफ से जंग, ये मसलक हुसैन अलैहिस्सलाम है, सिबते नबी से दीन खुदा का कयाम है, कुरान में खुदा ने कहा, जिसे ये भी हुसैनियत का हकीकत में नाम, ये भी हुसैनियत का हकीकत में नाम है, सिबते
से नबी से दीन खुदा इस्लाम की मुहिम अल्लाह रे हिफाजत इस्लाम की मुहिम सदके शबाब अकबर आली मकाम है सदके शबाब अकबर आली मकाम नबी से दीन खुदा का कयाम दरिया पकौन दरिया पकौन शेर जरी तशना काम है मौजों का शोर है के वफा इसका नाम है सिबते नबी से दीन फातिहा सदमा नहीं कुछ माँ से कम बेवतनी का आफत है कयामत है सितम बेवतनी का आफत है कयामत है सितम बेवतनी का कांटों के अलम सैयदे सज्जा से पूछो ईज़ाए सफर मुस्लिम नाशा से पूछो ईज़ाए सफर मुस्लिम नाशा से पूछो ईज़ाए सफर मुस्लिम नाशा से पूछो की सख्त दगा कूफियों ने अरे घर में बुला के सब फिर गए जिन लोगों के दावे थे वफा के लाखों हैं उदू जाए किधर जान बचा आफत में गिरफ्तार हुए कूफे में आके आफत में गिरफ्तार हुए कूफे
में आके। यावर नहीं हम दम नहीं, गम ख्वार नहीं है, नरगे में है और कोई मददगार नहीं है, नरगे में है और कोई मददगार नहीं है। मुंह करके सुए चरख कहा शुक्र खुदा, अरे राहत है ये बंदे ने जो को जुल्म उठाया, गम ये है कि है दूर या दुल्लाह का जाया, शब्बीर के हाथों से कफन हमने न पाया, शब्बीर के हाथों से कफन हमने न पाया। दुनिया से सुए खुल कोई दम में सफर, या हम पर जो कुछ बन गई क्या उनको खबर, या हम पर जो कुछ बन गई क्या उनको खबर। ये कहते थे मुस्लिम के लाइनों ने कदार, एक संगे सितम उस लबे मजरूह पमार, रीश और गरीबा में लहू भर गया सारा, जब हाल ये पहुंचा तो कहां जंग का यारा, जब हाल ये पहुंचा तो कहां जंग का यारा, आदा से कहा दिल में जरा रहम को जा दो, घसाता है पानी मुझे थोड़ा सा पिला दो, घसाता है पानी मुझे थोड़ा सा पिला दो। कब सुनते थे बेकस का सुखर जुल्म के बानी, थे कत्ल की तदबीर में वो दुश्मन जानी, ले आई ज़ईफ़ा वही एक जाम में पानी, किस्मत ने मगर बुझने न दी तशना दहानी, किस्मत ने मगर बुझने न दी तशना दहानी, सूखी हुई थी गुल सी ज़बां खुश्क गुलों का, उस पानी को मुंह से जो लगाया तो लहू, उस पानी को मुंह से जो लगाया तो लहू का, उसे जब खाक पापा दीदा गे, एक जाम ज़ईफ़ा ने दिया फिर उन्हें ओ पीने भी न पाया था कोई घूट वो ज़ीशा, पानी में जुदा हो के गिरे गौहर दा, पानी में जुदा हो के गिरे गोहर दांदा, फरमाया के साबित हुआ प्यासे ही मरेंगे, अब साकी ये कौसर हमें सैराब करेंगे, अब साकी ये कौसर हमें करेंगे। अल्किस्सा लबे बाम जो लाया उन्हें साफ़ा, तर आंसुओं से हो गया मुस्लिम का रुखे पा, फरियाद सुए
काबाए की बादल गामना फरमान तेरे आए पिसरे सैयद लौला तेरे आए पिसरे सैयद लौला करता है सफर खल्क से गम खार तुम्हारा मौकूफ है अब हश्र पा दीदार तुम्हारा मौकूफ है अब हश्र पा दीदार तुम्हारा फरमा के ये गर्दन तरफे तिबला झुका शमशीर जफा कारने चमका के उठा आवाज ये मखदूम है कौनैन किया अरे मरता है हिरावल मेरे बच्चे का दोहाई मरता है हिरावल मेरे बच्चे का दोहाई इस जुल्म से बाजा जो खुदा का तुझे डर जालिम सरे मुस्लिम पा मेरा हाथ पर जालिम सरे मुस्लिम पा मेरा हाथ पर मेरे लिए कम हश्र के दिन से ये नहीं दिन तुर्बत से मैं निकली हूँ लिए लाशाए मौत मजलूम को तू कत्ल तो करता है वाले बिल बाप के हो जाएंगे बच्चे के काम से बिन बाप के हो जाएंगे बच्चे कई काम से हूँ सर पन ले छोड़ दे आवारा वतन को अरे कल्याण बासे दिला वर की बहन को कल्याण बासे दिला वर की बहन को तड़प करिए पुकारा क्या दिल था के मुतलक न डरा वो सितमारा जालिम ने कई जरब में सर तन से उतारा फटता है जिगर अब नहीं गो याई का या हटता है जिगर अब नहीं गोयाई का यारा लिखा है चला ले के जो कातिल सरे मोसे कोटे के तले फेंक दिया पै करे मोसे कोटे के तले फेंक दिया पै करे मोसे मुस्लिम तेरी शर्मिंदा ऐसा हुई दे मुस्लिम तेरी इस लाश के कुर्बान हुई दे मुस्लिम तेरे मर जाने से नाला हुई दे मातम में तेरे चागरे बाहुई दे आतम में तेरे चा गरीबा हुई गमगी हूँ दिल अफगार मजरू है जिगर तू बेकफन गोर है मैं भी खुले सर तू बेकफन गोर है मैं भी खुले सर इंसान के लिए मौत है गम दिल की जीमत
दर्द हुसैनी सर की जीनत पाए हुसैन, दिल की जीनत दर्द हुसैनी सर की जीनत पाए हुसैन, आँख की जीनत खालिस आंसू, लब की जीनत हाय हुसैन, आँख की जीनत खालिस आंसू, लब की जीनत हाय हुसैन, दर से हुसैनी अल्लाह क्यों न समझ में आ जाए, अपने खुदा की जिस अजमत को सर दे के समझाए हुसैन, अपने अपने सिनफो सिन के कैसे नुमाइंदे निकले, अपने अपने सिनफो सिन के कैसे नुमाइंदे निकले, करबो बला के तपके बन में छांट के जिनको लाए हुसैन, करबो बला के तपके बन में छांट के जिनको लाए हुसैन, शामो कूफा मंजिल मंजिल सर था नैजे पर हमरा, ज़ैनब का क्या साथ दिया था, ज़ैनब के मां जाए हुसैन, दिल से अज़ादारों के पूछो गम की लज्जत गम पर नाज, सबको दावत हरदम चर्चा घर में हमारे आए हुसैन, जितना कहना चाहा शहने कह पाते तो क्या होता, सहने आलम में न समाया जितना الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن ولق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد أهل بيت الطيبين الطيبين
الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صلوات الله. آج دوسری تقریر میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک معذرت کے ساتھ تقریر کروں اور وہ معذرت یہ ہے کہ میری حالیہ علالت کے فوری بعد مجھے ان فرائض کو ادا کرنا پڑا اور محرم کے فرائض میں سے خالد بن حول کی مجلس کی ذمہ داری بھی میرے لیے ایک اہم فریضہ تھا جس کو پورا کرنے کے لیے میں نے عزم کر رکھا تھا. چنانچہ میں اس خدمت کو ادا کرنا چاہتا ہوں. لیکن آپ کو اس کا علم ہوگا کہ آج سے 14 برس پہلے وہ حضرات جو ماشاءاللہ سے اب ضعیف ہیں وہ گواہی دیں گے کہ جب ہم نے ان مجلسوں کو شروع کیا تھا تو اگست اور سپٹمبر میں محرم کی تاریخیں آ کر مل گئی تھی. جیسے جیسے وقت گزرا اور سنین و ساعات گزرے تو آپ کو معلوم ہے کہ کبھی محرم جولائی میں آیا, کبھی جون میں آیا, کبھی مئی میں آیا, اور اب محرم اپریل کے 12 تاریخ سے شروع ہو گیا. تو اس میں صورتحال یہ ہے کہ نماز مغرب کا وہ وقت نہیں رہا جو 8-10 برس پہلے رہتا تھا. اس لیے مجھے بعض میرے سننے والے حیرت کا اظہار نہ کریں کہ ہم
अपने औकात में कुछ मजबूर है, कुछ महदूद है। एक मजलिस पहले है, दरमियान में वक्फा मुझे चाहिए कि दोनों मजलिसों का मुसलसल तो कर नहीं सकता। इस एतबार से कुछ वक्त में तसादुम हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि जब मस्जिदों में नमाज हो रही हो तो मेरी आवाज उनको हैरान करे, और ये भी नहीं चाहता कि मैं आप हजरात की जहमतों को और रिले सुनने वालों की तमाम सौगतों को फरामोश कर दूं, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए इस साल की हद तक मैं यह चाहता हूं कि जब आप तशरीफ फरमा होते ही हैं यहां, तो एक 5-7 मिनट पहले आ जाए, सिर्फ 5-7 मिनट, ताकि मैं 8 बजने से कुछ पहले ही मिंबर पर आ जाऊं, ताकि मेरा पैगाम तशना न रहे, जो कुछ मुझे कहना है वो भी मैं कह पाऊं, और इस तरह से इस साल की हद तक ये फरीजा अदा हो जाए। आने वाले साल पहले से तारीख, पहले से औकात का इंतजाम होगा और उसको देखा जाएगा कि हमको क्या करना है। आपको याद है कि मैं भेजा, और आपको इल्म भी है कि मैं भेजा तौसीफ का आदी नहीं हूं, और मुझे जरूरत भी नहीं है। अगर मैं अपना फरीजा अदा कर रहा हूं तो आप भी अपना फरीजा अदा कर रहे हैं जो ये जहमतें उठा रहे हैं। लेकिन मुझे वाकया यह है कि आपकी हुस्न समाअत पर, आपके ज़ौक़ व शौक पर हमेशा नाज रहा है, और यह भी अल्लाह का शुक्र है कि हमसे जो तआवुन किया जा रहा है नज़्म व नसक की तरफ से, वो भी बड़ी हद तक काबिले तारीफ है। ऐसे मौके पर जब ये एक जहती, ये एक गानगत नजर आए, तो जिस कदर हो सके हम अपने मसाइल को सुलझाने में कोशा रहें, हकायक तक पहुंचने की कोशिश करें, और फिर सबसे बड़ी चीज और वही उनवान तकरीर, जिस कदर मुमकिन हो सके अपने नफ्स का तज़किया करें, अपने नफ्स की तहारत की फिक्र करें। इसलिए कि तहारत नफ्स से बढ़कर कोई फरीजा नहीं है। खत्मी मर्तबत की तशरीफ आवरी के वजूहात कुरान ने बतलाए हैं। सूरह जुमा आपको याद है, और भी मुख्तलिफ मकामात पर यह गुफ्तगू है। यतलू अलैहिम आयाते ही وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کا علم دیتا ہے۔ علم اور تزکیہ نفس دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اس لیے میں نے علم کی بحث کو نشتر پارک کے لیے اور تزکیے پر گفتگو کے لیے اس وقت کو مناسب جانا۔ نبی تشریف فرما ہوتا ہے آیتوں کی تلاوت کے بعد اس مقصد سے کہ تزکیہ نفوس کرے اور علم کتاب عطا کرے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اور پھر نبی فقط اپنے ہی دور میں نفس کا تزکیہ نہیں کرتا, وآخرین منہم لما یلحقو بہم,
और अभी वो लोग जो बाद में आने वाले हैं और अभी मुलहक नहीं हुए, उनके भी नफूस का तस्किया करते हुए जाता है। और तस्किया नफ्स इंसानी ये खत्मी मर्तबत का सबसे अहम फरीजा है, जिसको आपने बदरजे अतम और बेहुस्न कमाल अदा किया है। तस्किया उसी वक्त में मुमकिन है जबकि इल्म दे दिया जाए कि ये नेक है, ये बद है, ये खैर है, ये शर है, ये पाक है, ये नजिस है, ये हलाल है, ये हराम है। और सरकार रिसालत ने वो सारे अहकाम दुनिया तक पहुंचा दिए कि आलम अकबर तकवीन में जितनी चीजें हैं वो सब की सब इंसान के लिए मुफीद नहीं है, अगरचे अपनी जगह हर शय लाजिम है, अपनी जगह हर शय जरूरी है, अपनी जगह हर शय मुफीद है, मगर आपके लिए अगर फल खाने को है तो पत्थर खाने को नहीं है। यकीनन आप पत्थर को जज्ब नहीं करते, फल को आप जज्ब कर सकते हैं। तो इसी तरह निजाम कुल में हर चीज अपनी जगह पर जरूरी है कि वो रहे, उस मकाम पर रहे। सांप हो के बिच्छू, जहरीले जानवर हो के दरिंदे, वो उड़ते हुए तायर हो के कोई और मखलूक, मगर सब के सब चूंके खल्क किए गए हैं इसलिए हलाल है। ये कोई फतवा नहीं है, ये कोई फलसफा नहीं है। हर शय अपने मकाम पर अपने वजूद के साथ लाजिमी समझी गई है। लेकिन ये बतलाने के लिए कि कई इंसान निजाम कुल से न टकरा जाए, कहीं इंसान आलम तकवीन की किसी मखलूक की जद पर ना आ जाए, इसलिए नबी उम्मी का ये फरीजा है कि यहुल्लु लहुमुत तय्यबात व यहर्रमु अलैहिमुल खबाइस, वो तय्यब चीजों को हलाल करार देता जाए और खबीस चीजों की हुर्मत का हुक्म दे, वो बतलाए कि जिसको हराम करार दिया है वो खबासत रखती हैं, जिसको हराम करार दिया है उसको दुनिया की कोई अक्ल उसमें खबासत का पहलू निकाल नहीं सकती और उसमें तीब तहारत का कोई पहलू दाखिल नहीं कर सकती। ये एक फैसला अटल है, एक फैसला अटल है। ये गुफ्तगू बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएगी अगर मैं अखबारों के हवालात से इस वक्त ये गुफ्तगू कहूं कि दुनिया अब ये कहने लगी है कि हालात बदल गए, अब बहुत से जानवर ऐसे हैं कि जिनको वो गिजाएं नहीं दी जाती जो अरब में दी जाती थी, बहुत से जानवर ऐसे हैं कि जिनको हम अपनी निगरानी में पालते हैं इसलिए अब उनको हलाल हो जाना चाहिए। हम इस गुफ्तगू के लिए फिलहाल तैयार नहीं हैं। हम उन जानवरों के बगैर भी जिंदा हैं और उन जानवरों के बगैर भी हम जी रहे हैं, इसलिए कोई मजबूरी नहीं है कि हम किसी वक्त भी किसी मंजिल पर भी हराम मोहम्मद को हलाल कर दें या हलाल मोहम्मद को हराम करार दें। अब इसको अकीदा जानिए या इस्तेकामत का ऐलान समझिए, जो कुछ सही इसी में जिंदगी है, इसी में नजात है। मैंने एक मर्तबा कभी अर्ज किया था, आज फिर अर्ज करता हूं, कौमों की जिंदगी का अहम तरीन चैप्टर यह है, कौमों की जिंदगी का अहम तरीन बाब यह है कि किसी कौम के आदमी से गुफ्तगू हो तो वो ये कहे कि नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं खाते, हम ये नहीं पीते, हम इस तरह से नहीं पहनते, हम इस तरह से उरिया नहीं होते, हम इस तरह से जिस्म की नुमाइश नहीं करते। जिस कदर नहीं नहीं कहते जाओगे तुम्हारे वजूद को दुनिया मानेगी, जिस कदर नहीं नहीं कहते जाओगे तुमको दुनिया तस्लीम करेगी, और जब तक हाँ हाँ कहते जाओगे अपने आप को जज्ब करते जाओगे, अपने आप को फना करते जाओगे। अब जब कहीं जाके फना हो जाओगे तो फिर पहचाने भी नहीं जाओगे कि तुम कौन हो, पहचाने भी नहीं जाओगे कि तुम कौन हो। अमीरुल मोमिनीन ने अपनी शहादत के वक्त खाने काबा के मुतालिक गुफ्तगु करते हुए इरशाद फरमाया, वो अल्लाह अल्लाह फी बैत रब्बिकुम, हाँ हाँ
अपने रब के मकान का ख्याल रखना। वो अल्लाह अल्लाह फी बैत रब्बकुम फइन तुरका लम तुनाज़रू, अगर तुमने इस बैत हक को छोड़ दिया तो फिर पहचाने नहीं जाओगे, फिर जमाना मोहलत भी नहीं देगा इतनी कि तुमको कोई पहचान सके। कितना अजीब जामे जुमला है, बैत हक कौन सा मकाम है? एक चार दीवारी मिट्टी चूना और पत्थर की एक तरकीब, उस पर एक गिलाफ, उसके अतराफ कुछ लोग दौड़ रहे हैं, कहीं कंकरियां फेंकी जा रही हैं, कहीं इंसान एक खास किस्म का लिबास पहन के एक पत्थर को बोसा देने की फिक्र कर रहा है। कोई बात हज की अक्ल में नहीं आती। आपको मालूम है देयर इज नो रीजन, अरकान हज में रीजन नहीं है। दूसरी चीजों में तो आप कह सकते हैं नमाज इसलिए पढ़ते हैं, रोजा इसलिए रखते हैं और जकात इसलिए देते हैं, मगर हज की वो मंजिल है कि रीजन नहीं है, बस हुक्म है, ताबुदी है। पत्थर फेंको, कंकरियां फेंको, कंकरियां फेंकना कोई अकलमंदों का काम है? ये उम्र हो गई, इतने बड़े बड़े हजरात वहां हैं, इस कबीर उस्सिन हजरात मौजूद हैं, बच्चों की तरह से कंकर फेंक रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अच्छे खासे बावेकार आदमी दौड़ रहे हैं, पैराहन उतार दिया है, सर के बाल हटाए जा रहे हैं, कोई सर को मुंडवा रहा है, कोई जरा सा तराशने की कोशिश कर रहा है बालों की हिफाजत में, मगर मजबूरी है, हुक्म है। क्यों यह नहीं कह सकते, यह क्यों नहीं कह सकते? रीजन नहीं है, वह अकल नहीं है, ताकुल नहीं, मगर चूंकि हुक्म है उसका, तामील पे आ पड़ गए, अब दुनिया पहचान रही है कि मुसलमान है, दुनिया पहचान रही है कि मुसलमान है। इस वास्ते अपनी इनफरादियत को जिस कौम ने कायम रखा वो पहचानी गई, और अगर कहीं जज्ब होते चले कि अब मजलिस की क्या जरूरत है, अब मातम की क्या जरूरत है, अब जंजीर की क्या जरूरत है, अब जुलूस की क्या जरूरत है, फिर पहचाने भी ना जाओगे। समझ में आई गुफ्तगू? पहचाने भी ना जाओगे तो जिस तरह से काने हक मुसलमानों को पहचानवा रहा है, जिस तरह से काने हक मुसलमानों को पहचानवा रहा है और वहां कोई अक्ल नहीं, देखिए मेरे जुमले पर गौर कीजिए, और वहां अकल नहीं, इसी तरह से ये अदा के दिन हमको पहचानवा रहे हैं। अब न पूछो कि अकल क्या है, आप समझ रहे हैं, इसी तरह से हम पहचानवाए जा रहे हैं और हमको दुनिया पहचान रही है। अपने अपने तरीके जिंदगी की ये सूरतें हैं, और इस तरह से अजीजों ये तारुफ की गुफ्तगू नहीं थी, बल्कि गुफ्तगू आ गई सिलसिले में मजलिस तक, इसलिए कहना पड़ा, वरना वही मकाम कि अगर इंसान हलाल और हराम के फर्क को जाने, और जहां कोई ऐसी मंजिल हो कि खबासतें सामने हो तो कहता जाए नहीं नहीं नहीं, तो नहीं कहने में कोई उसके हक के हयात को नहीं छीन लेता, नहीं कहने में तो उसकी जिंदगी है, नहीं कहने में तो उसका वजूद है। मैं इस तरह से नहीं पीता, मैं ये नहीं खाता, मैं इस तरह से नहीं पहनता, मैं उस मंजिल पर नहीं जाता, वो मौज़ाए तोहमत है, मेरा कदम वहां नहीं पहुंचता, इस तरह से ऐलान करने में जिंदगी है, जिंदगी है। और तस्किया नफ्स की यह पहली मंजिल है, यह पहली मंजिल है कि इंसान जुरअत किरदार से काम ले और यह ऐलान करे कि हमारा यह तरीका नहीं है, वरना जज्ब हो जाओगे, और अगर जज्ब हो जाओगे तो फिर शिकायत का मकाम नहीं है,
शिकायत का मकाम नहीं अजीजो। आलम की तारीख उमूमन इस खौफ से नहीं दोहराई जाती कि कुछ ममालिक शायद दुनिया के नाराज हो जाएंगे, लेकिन कभी मुझे इसकी परवाह नहीं रही। क्या हाल है आज रूस के मुसलमानों का, क्या हाल है आज शुमाली अज़रबैजान के शियों का, क्या हाल है आज यूक्रेन की मुस्लिम आबादी का, कहां है समरकंद बुखारा के मुसलमान, कहां है चाइना के 2 करोड़ मुसलमान, क्या कर रहे हैं। बात इतनी थी कि वहां जबरो इस्तेबदाद ने उनके गले घोंट दिए और उनको उस आवाज के निकालने से अपने गले से मना कर दिया कि नहीं का लफ्ज अब तुम्हारी जबान से ना निकले, अब जज्ब हो जाओ, जज्ब हो जाओ, जज्ब होते चले तो यूक्रेन फना हो गया, अज़रबैजान का शुमाली इलाका खत्म हो गया, बाकू पूरा खत्म हो गया, समरकंद और बुखारा हमेशा के लिए खत्म हो गए, चीन का जुनूबी हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये हमारे सामने मिसालें हैं, ये हमारे सामने मिसालें हैं कि जहां इंसान किसी को जज्ब कर लेता है तो फिर अपना सा बना लेता है। मुसलमान अब उनके से हो गए, रस्मी मसाजिद है, रस्मी मनाजिल है मजहब के और कुछ नहीं। क्यों? बात यह है जबरो इस्तेबदाद ने यही चाहा कि इनफरादियत ना रहे, मगर जहां आजादी है, जहां हुकूक जिंदगी मुहैया है, वहां कम से कम जबर तो नहीं हो सकता, वहां तो कोई यह नहीं कह सकता कि हम मजबूर हैं। इसलिए जहां मजबूर नहीं है वहां बहसियत मुसलमान के जीने की कोशिश करो, जहां मजबूर नहीं है वहां कम से कम अपने इस्लाम का ऐलान हो। आइए इसी तस्किए की मंजिल पर चंद बातें और जरूरी बातें महफूज रहें ताकि सिलसिले कलाम भी मेरा संवर जाए और मैं आपके दिलो दिमाग में किसी पैगाम को महफूज करने का बाइस बन सकूं। मैं इसको खिसाल शेख सदूक और वाफी फैज काशानी की किताब से नकल कर रहा हूं। मासूम ने फरमाया कि सबसे पहले खुदावंद अली की आला ने अक्ल को पैदा किया, सबसे पहले खुदावंद अली की आला ने अक्ल को पैदा किया और उसको एक इनफरादियत अता की, उसको एक वजूद अता किया और वो उसका वजूद यह था कि अकल को एक नफ्स दिया और उसका नफ्स इल्म है, अकल का नफ्स इल्म है, उसको एक दिल दिया उसका दिल रहमत है, उसको आंखें दी उसकी आंखें हया हैं, उसको जबान अता की उसकी जबान हिकमत है, उसको बुलंदी अता की और उसकी बुलंदी उसकी हिम्मत है। यह अक्ल के वजूद की कैफियत है। दिल दिया, आंखें दी, बुलंदी अता की और उसको नफ्स अता किया, नफ्स अकल का नफ्स इल्म है, और उसको 10 कुव्वतें दी और वो 10 कुव्वतें ये थी, यकीन दिया,
ईमान अता हुआ, सदाकत दी, इखलास दिया, सकीनो वकार दिया, रिफ्क अता किया, दियानत दी, कनाअत अता की, शुक्र के जेवर से माला माल करके इस्मत तक पहुंचा दी। ये 10 ताकतें। और उसके बाद कहा इधर आओ, अब ये पूरी हदीस है, इधर आओ, अकल सर झुकाए हुए बारगाह रब्बुल इज्जत में आई, हुक्म हुआ जाओ, अकल गई गई, और फिर हुक्म हुआ वापस आओ, अकल वापस आ। अब जो जाने को कहा था दुनिया की तरफ कि दुनिया की तरफ जाओ, दुनिया की तरफ गई, जब बुलाया दौड़ के आ गई, यानी उलझ के नहीं रह गई दुनिया में। यही है अकल का कमाल कि दुनिया की तरफ आए तो फिर दुनिया में आलूदा न हो जाओ, जब बुलाया जाए तो वापस जाओ। आवाज दी गई कि मेरे इज्जत और जलाल की कसम, मैंने अकल से बेहतर कोई किसी मखलूक को खल्क नहीं किया है, मांग क्या मांगना चाहती है। तो अकल ने कहा मालिक बस एक सवाल है, और वो ये कि जिसको मैं पसंद करूं मेरी शफाअत को उसके लिए कबूल कर ले। अकल ने सवाल शफाअत किया, मालिक ने कबूल किया। अकल शाफे है, अकल के लिए नफ्स इल्म है, इल्म की गुफ्तगू वहां हो रही है। इस मंजिल पर सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि जो दुनिया में न उलझ जाए, जो दुनिया में न फंस जाए, जो दुनिया में न मुब्तला हो जाए, बल्कि मालिक की आवाज पर लब्बाए कहकर बेताल्लुक होकर दुनिया से हट जाए, वही है अकल, वही है अकल। यानी अकल यह नहीं कि अपने आप को किसी का गुलाम इंसान बना दे, अकल यह नहीं कि कहीं जाके बिक जाए, अकल यह नहीं कि कहीं जाके जज्ब हो जाए, अकल यह नहीं कि जो चीज पसंद आ जाए बस उसी का इंसान हो जाए। जहां अकल है वहां तमीज है, इल्म है, और अगर तमीज और इल्म है तो फिर हटना भी लाजिम, खिंच जाना भी लाजिम, अपने आप को दूर रखना भी लाजिम। तो वो इंसान के जिसको अकल जैसी दौलत अता हुई, उसके लिए ये तमाम खुसूसियात तो होंगे, मगर जब कहा कि मैंने सबसे पहले अकल को पैदा किया तो अकल अव्वल वो जात गिरामी है, अहमद मुश्तबा और मोहम्मद मुस्तफा। और अगर वो जात गिरामी अकल अव्वल है तो फिर उनका नफ्स कौन है? क्योंकि अकल को जो नफ्स मिला वो इल्म है। तो अब नफ्स रसूल कमाल इल्म की मंजिल पर, ये जिस्म और नफ्स दोनों तो जिसको अकल की दौलत अता होती है वो कभी किसी वक्त भी कहीं जज्ब होने पर माइल नहीं होता। एक वजाहत में कर दूं मुख्तसर सी, कायनात में, सारी कायनात में दो कुव्वतें काम कर रही हैं, एक जाज़िबा है, एक दाफिया। एक कुव्वत जज्ब करती है, एक कुव्वत दफा करती है। हयात के लिए दोनों कुव्वतें लाजिम हैं। सिर्फ जज्ब हो तो मौत है, सिर्फ दफा हो तो मौत है। जिसको जज्ब करना है उसको जज्ब कीजिए, जिसको दफा करना है उसको दफा कीजिए। जज्ब करने की जगह दफा करना, दफा करने की जगह जज्ब करना, यह मौत है।
तो ऐसी सूरत में ये अक्ल का फैसला है कि जो जज्बो दफा के मवाक़े को पहचाने और ये तय कर ले कि हमको किस मकाम पर कहां हम आहंग होना है और कहां अपने इख्तिलाफ का ऐलान करना है। गुफ्तगू जब इस मंजिल पर आ गई तो सबसे पहले तस्किए की मंजिल में यह देखना है कि खारिज की कोई ताकत आपको इतना हैरान नहीं करती है जितना आपका अपना नफ्स आपको परेशान करता है। तो मैं कोई नई फिक्र नहीं दे रहा हूं मगर अपने कलाम से अपने आप को मुसलसल कर रहा हूं कि खारिज के शैतान का उतना डर नहीं है। कल की तकरीर याद है ना, ये खारिज के शैतान का उतना डर नहीं है, दाखिली शैतान को देखना है कि ये कहां तक मुतासिर कर रहा है। चुनाचे कुरान मजीद ने इस शैतान के मुतालिक बारहा गुफ्तगू अरैतल मन तकज़ा इलाहु हवा, तुमने देखा है हदीस कि इसने अपनी हवा को अपना खुदा बना लिया है, अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया है। तो ये इत्तेबाए हवा इत्तेबाए शैतान है। तस्किया नफ्स में ये दाखिली इबलीस बहुत हैरान करता है, बहुत परेशान करता है। और फिर अगर ये बात समझ में आ गई तो एक आयत याद रखने के काबिल है और वो ये कि मैं याशो अन जिक्र रहमानी नुकय्यज लहू शैतानन फहुवा लहू करीन, जो रहमान के जिक्र से गाफिल हो जाता है हम उसके लिए वही एक शैतान बना देते हैं जो उसका दोस्त बन जाता है। बाहर से नहीं आता है, जो गाफिल हो जाए जिक्र रहमान को फरामोश करे, जो जिक्र रहमान से दूर होने की कोशिश करे, नुकय्यज लहू शैतानन, हम उसके लिए एक शैतान बना देते हैं, वो उसका करीन है, वो उसका दोस्त है। ये दोनों मिलके महशर में आएंगे, हत्ता इज़ा जाना, और जब हमारे पास आएंगे तो वो कहेगा या लैता बैनी व बैनका बौदल मशरिकैन, अए मेरे करीन अए मेरे साथी, काश मुझ में और तुझ में बौदे मशरिकैन होता, मशरिक व मगरिब का फर्क होता, काश तू मुझ पर मुसल्लत न होता। तो ये खारिजी कोई ताकत नहीं है। तस्किया नफ्स में कुरान मजीद के इस्तलाहात पर जब गौर किया गया तो पता चला इनके पहली हैरानी गफलत से पैदा होती है। जहां गफलत आई शैतान आया, जहां गफलत आई शैतान आया। और इसलिए इरशाद हुआ कतनी मर्तबत को ला तुते मन अगफलना कल्बहू अन जिक्रना, खबरदार उसकी इताअत न करना जिसका दिल हमारे जिक्र से गाफिल हो। तो पैगंबर को हुक्म मिला कि उसकी इताअत न करना जिसका दिल हमारे जिक्र से गाफिल हो। हमको हिदायत की गई कि गफलत जहां पैदा होती है शैतान आता है। तो फिर सहो क्या है, नसियान क्या है, भूल जाना क्या है अगर गफलत नहीं है तो? जहां गफलत है वहां सहो है, जहां गफलत है वहां नसियान है। तो जहां गफलत आ जाए वहां सहो भी है और नसियान भी है। और नबी को हुक्म यह कि खबरदार उसकी इताअत न करना जो गाफिल हो। तो खुद नबी कैसे गाफिल होगा, जरा सी बात, फिर नबी कैसे गाफिल होगा। इसलिए गफलत की निस्बत देना खातमुन नबीजीन की तरफ बहुत बड़ी कमजोरी है फिक्र की। वो गाफिल नहीं रहते, वो गाफिल नहीं रहते, वह सहो नसियान नहीं है। और इस एतबार से मैं बड़ी
अजीब बात अर्ज करूंगा, मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे नहीं कहना चाहिए, इस वास्ते के ये मुखलस बंदे हैं, यहां शैतान नहीं आता, ये मुखलस बंदे हैं, यहां शैतान नहीं आता। लअग्वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, मैं सबको बहकाऊंगा मगर तेरे मुखलस बंदों को बहका नहीं सकूंगा। नबी मुखलस है, वहां शैतान नहीं है, जहां शैतान नहीं है सहो नहीं है, नसियान नहीं है, गलती नहीं है, भूलना नहीं है, नक्स नहीं है। अगर इतनी सी बात याद हो जाए तो कलमा पढ़ते हुए लुत्फ आए, कलमा पढ़ते हुए लुत्फ आए कि किसका कलमा पढ़ रहे हैं। अगर ये चंद बातें आज की याद रह जाए, महफूज रह जाए, तो इनमें कोई अनोखापन नहीं है, मगर सिर्फ एक तरीका इस्तेदलाल है, एक फिक्र का तरीका है जो पेश किया गया। खत्मी मर्तबत ये चाहते हैं कि अनफास कुदसिया में आले मोहम्मद के अक्ल इस कदर गालिब रहे, अक्ल इस कदर कवी रहे, अक्ल इस कदर तवाना रहे कि उनकी जिंदगी कयामत तक जब कभी दोहराई जाए तो उसमें बेअकली का कोई पहलू ना आए। तरबियत इसी अंदाज में होगी, अनफुसना में जितने आएंगे वो सब के सब इल्म की उस मंजिल पर आएंगे जो अक्ल की हिफाजत करते रहें। और अगरचे अब नाना में हुसैन है, मगर मैंने कभी अर्ज किया था कि इमाम रिजा से मामून ने कहा कि अगर अब नाना का जुमला कुरान से हटा लिया जाए तो आपका क्या मकाम होगा। इरशाद फरमाया हम अब नाना में जिस तरह से हैं उसी तरह अनफुसना में भी हैं। आपने देखा यह मंजिल नफ्स है, मंजिल नफ्स मंजिल इल्म, इसलिए यहां जहालत नहीं है, नादानी नहीं है। जो काम किया कमाल इल्म पर किया, कमाल अकल पर किया, जिसको चुन लिया, मुंतकब किया, इस शान से चुन लिया कि दुनिया आज तक हैरान, आज तक हैरान। चंद जुमले जिसकी काबिलियत मुझ में नहीं है फिलहाल के तवालत कलाम का बाइस बन सकूं, चंद जुमले रसूल ने चुन लिया हुसैन, हुसैन ने चुन लिया मुस्लिम को, कुछ इस इंतकाब को समझ सके कि किसको चुना, उसको चुना सिका तुम में अहलबैत थी, मेरे अहलबैत में सबसे ज्यादा सिका, और फिर चुन के सिर्फ इतना कहा के कूफियों ने बुलाया है जाके देखिए क्या हाल है, अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे खत लिखें, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा। मगर अक्ल मुस्लिम उस मंजिल पर है कि लश्कर कुफार में घिर के फैसला करे कि अभी वक्त है कूफा छोड़ दूं, इस रात की तारीकी में कूफे से निकल जाऊं, बचा सकता हूं अपने आप को, छोड़ दूं कूफा या लड़के जान दे दूं। हुसैन की तरफ से कोई हिदायत नहीं मिली थी, फैसला मुस्लिम ने किया है कि शहादत मुस्लिम तमहीद करबला बन जाए, फैसला मुस्लिम ने किया है कि शहादत मुस्लिम तमहीद करबला बन जाए, और तन्हा एक इंसान का फैसला अक्ल मुस्लिम। इसलिए आपको याद होना चाहिए कि दो जियारतें इमाम सादिक की तरफ से आई हैं, एक हजरत अब्बास की, एक हजरत मुस्लिम, दोनों के अल्फाज एक हैं, दोनों के अल्फाज जियारत के, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह,
अल्मुतीउल्लाह वल रसूल आए अब्द सालह तुझ पर सलाम, अब्बास के लिए भी वही, मुस्लिम के लिए भी वही, दोनों की अकल की मंजिल एक है, दोनों की कुव्वत फैसला एक है। मुस्लिम ने फैसला किया कि नहीं, जान देना चाहिए, जान देना चाहिए, और आकल से नहीं इजाजत की जरूरत समझी, नहीं ये जाना कि लिख के मशवरा करूं कि ये हाल है, नहीं, तन्हा है अकील के बेटे, तन्हा है अबू तालिब के पोते, ये बतलाना चाहते हैं कि कूफे वालों मुझे अकेले का ये हाल है, तो 72 का अंदाजा कर लो, 72 का अंदाजा कर लो, जिसमें हुसैन भी हैं, खुली हुई ताकत की आजमाइश थी कूफे में, कि एक को पहचान लो। मोहम्मद इब्ने अशस ने लिख के भेजा कि इब्ने जियाद ये कोई बकाले मदीना नहीं है, ये अबू तालिब का पोता है जिससे लड़ना है, लश्कर भेज। उसने कहा एक आदमी के लिए लश्कर का बिथरा हुआ शेर है, जब हमला करता है तो सफों को दरहम और बरहम कर देता है, गिरती हुई लाशें नजर आती हैं, अभी तूने नहीं पहचाना हम किससे लड़ रहे हैं। मगर अल्लाह ने फैसला, मुस्लिम ने अकील का, जब फैसला किया कि जान देना ही है, तो उस मंजिल पर कि जिस मंजिल पर यह कहा जाता है कि जाते हुए बहुत बड़े बड़े बहादुर भी घबराते हैं कि सब दुश्मन, सब दुश्मन, अकेले मुस्लिम जख्मी, हाथ पीछे से बंधे हुए। किसी ने कहा इब्ने ज़ियाद पे सलाम तो करो, तो गुस्से में आके कहा माली अमीर सिवा हुसैन, मेरा कोई अमीर सिवा हुसैन के नहीं है। कितनी कुव्वत है, कितनी ताकत है। उसने कहा सलाम करो या ना करो, हम तो कत्ल कर देंगे। का दे दे हुक्म कत्ल का, किसको परवाह है। उसने कुछ नासजा कहा अमीर मोमिनीन की शान में। मुस्लिम ने अकील ने जवाब दिया कि ये जुमले तुझे उस वक्त जेब देते जब मेरे हाथ खुले हुए होते, जब मेरे हाथ खुले हुए होते, ये इस तरह की बातें अब जेब नहीं देती। बकर इब्न हमरान के बाप को सुबह को मुस्लिम ने अपने पहले हमले में कत्ल कर दिया था, उसने आवाज दी जाओ इनको ले जाके कत्ल कर दो। बस ये चंद जुमले थे जिसके लिए जहमत दी गई। कसरे कूफा पर, बाम पर मुस्लिम ने अकील आए, तस्बीह हो, तकदीस हो, तहलील हो, तमजीद इलाही करते हुए। ईद का दिन था, जिलहिज की नवी तारीख थी, मुसलमान तमाशे के लिए जमा हुए थे। हुसैन का नायब अपनी पहली कुर्बानी पेश कर रहा था, करबला की तैयारी हो रही थी, हजारों आदमी दारुल अमारा के नीचे खड़े हुए तमाशा कर रहे थे। एक अकील के बेटे को अब कत्ल किया जाएगा, ऐसे में आहिस्ता आहिस्ता टहलते हुए बाम के गोशे तक आए, तमाशाइयों को देखा और कहा तुमने जो वफा की अब वो जिक्र के काबिल नहीं है। मगर एक बात याद रखो, कुछ दिनों के बाद अगर इस शहर में मेरे दो बच्चे आ जाएं, तो उनको ये न कहना कि तुम्हारा बाप यहां कत्ल किया गया, यतीम बच्चे हैं, उनकी दिलजोई करना। ये कह के वापिस हुए, बकर इब्ने हमरान ने हाथ को बुलंद किया और चाहा कि तलवार को गर्दन तक पहुंचा दे, एक मरतबा तलवार हाथ से गिर पड़ी। दौड़ता हुआ इब्ने ज़ियाद के पास आया, इब्ने ज़ियाद ने कहा क्या बात है। कहा जैसे मैंने मुस्लिम को कत्ल करना चाहा, मैंने अल्लाह के रसूल को देखा खड़े हुए और ये कहते मेरे बच्चे ने क्या खता की, मेरे बच्चे ने क्या खता की, अरे क्यों कत्ल कर रहा है। उसने कहा बकर इब्ने हमरान ये तेरा वहम है, ये तेरा गुमान है, ये तेरा ख्याल है, जाके कत्ल कर दे। अब बकर इब्ने हमरान आया, तलवार को उसने बुलंद किया और ये वो मंजिल थी कि एक मर्तबा मुस्लिम
मुतवज्जे हो गए खाने काबा की तरफ और आवाज दी, अस्सलामु अलैका यब्न रसूलिल्लाह। रावी कहता है कि फर्जंद रसूल एक मंजिल पर खेमे के बाहर कुर्सी पर तशरीफ फरमा थे कि एकाएक एक आवाज आई, हुसैन खड़े हो गए, आवाज ही वालैका सलाम, वालैका सलाम। पर्दे को उठाए हुए ज़ैनब खड़ी हुई थी, एक मर्तबा पूछा भाई किसको सलाम किया, आवाज दी ज़ैनब, कसरे दारुल अमारे कूफा से मुस्लिम को